चुनाचे मक्का मुकरमा में एक औरत थी जिसको अपने हुस्न जमाल पे बड़ा नाज था। वो एक मर्तबा नहाने के बाद कपड़े बदल के अपने बाल संवार रही थी, आईने के सामने खड़ी थी और बहुत अपने आप पे फरेफ्ता थी कि मैं बहुत हूर परी हूं। खाविन ने देखा तो उस औरत ने बड़े नाज नखरे से बात की कि कोई है मर्द ऐसा जो मुझे देखे और मेरी तमन्ना ना करे। तो खाविन ने कह दिया, हाँ उबैद बिन उमैर, ये मस्जिद नबी में एक खतीब थे उस जमाने में, आलिम थे जो दर्श देते थे और बड़े बाखुदा बुजुर्ग थे, उसने उनका नाम ले दिया कि उबैद बिन उमैर। तो मियां बीवी का ताल्लुक अजीब सा होता है। आगे से कहने लगी कि तू मुझे दे इजाजत, मैं तुझे दिखाती हूं कि वो फिसलता कैसे है। उसने कहा ठीक। औरत को इजाजत मिल गई, वो निकली बाहर मस्जिद के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। अब मस्जिद से जब वो बाहर निकले तो औरत ने पहले तो ऐसी बात कही कि जैसे कोई मसला पूछने के लिए खड़ी हो। तो चूंकि उन्होंने मसला बताना होता था, जिम्मेदार थे, तो वो खड़े हो गए। इसने बात करते करते अचानक अपना नकाब हटा दिया। इसका ख्याल ये था कि जब वो मेरे हुस्न जमाल को देखेंगे तो फरेबता हो जाएंगे। जैसे ही इसने ऐसा किया तो उन्होंने नजर हटा ली और कहा कि देखो तुम क्यों ऐसे काम के बारे में सोचती हो जिससे दुनिया में भी तुम्हें जिल्लत मिलेगी, आखिरत में भी तुम्हें जिल्लत मिलेगी। अब ये अल्फाज इतने दर्द के साथ उनके मुंह से निकले, वो शर्मा गई, वापस आ गई। खाविन ने पूछा क्या बना, कहने लगी क्या मर्द ही नेक होते हैं, औरतें नहीं नेक हो सकती, मैं भी नेक बनूंगी। उसकी जिंदगी बदल गई। उसके बाद वो रोज अपने खाविन से पूछती इशा के वक्त के तुम्हें मेरी जरूरत है, अगर कहता हां तो खाविन के पास वक्त गुजारती और अगर वो कहता नहीं तो जुब्बा पहन लेती और सारी रात मुसल्ले पे इबादत करती। उसका खाविन कहा करता था कि पता नहीं उबैद बिन उमैर ने एक फिक्रा बोल के मेरी बीवी को राहिबा कैसे बना दिया। वो राहिबा बन गई। शिकार करने को आए, शिकार होके चले। तो ये कैफियतें उनकी इसलिए थीं कि परवरदिगार आलम ने उनके दिलों में एक असर डाला हुआ था, ईमान कामिल उनके दिलों में था। और ये नहीं कि ये सिर्फ बड़े लोगों का था, बच्चों का भी यही हाल था। चुनाचे एक बाप अपने बेटे के साथ जा रहा था, उसने रास्ते में आम के दरख्त पौधे देखे, छोटे छोटे होते हैं और गुच्छे लगे होते हैं, पके हुए थे और लग रहे थे कि बहुत मजे के होंगे। तो वालिद ने अपने बेटे को कहा, बेटे तुम यहीं जरा रुक जाओ रास्ते पे और मैं बाग में जाता हूं और एक अच्छा पका हुआ खोशा तोड़ के लाता हूं, और अगर कोई आने आए इधर उधर से तो जरा आवाज दे देना, मैं आ जाऊंगा। वो जी चला, जैसे खोशे के करीब पहुंचा तो बच्चे ने पीछे से आवाज लगा दी, या अभी अहदुन यरौना, ए अब्बाजान कोई हमें देख रहा है। तो वो घबरा गया और वैसे ही वापस आ गया। आके देखा तो गली में तो कोई भी नहीं था। उसने कहा गली में तो कोई नहीं, उसने कहा इंसानों में से हमें कोई नहीं देख रहा, इंसानों का परवरदिगार हमें देख रहा है। छोटा बच्चा, 10 साल की उम्र है तकरीबन, उसका भी यकीन ऐसा बन गया था। और ये यकीन खुद ब खुद नहीं बनता था, मां बाप बनाते थे। चुनाचे दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग गुजरे हैं, बड़े मुहद्दिस भी थे और फकीह भी थे और मशाइख में से थे, मशाइख सूफिया में से थे। इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के हां जो खास शागिर्द थे ना 40, जो फतवा लिखने में मशवरे में काम आते थे, जो मजलिस मुशावरत थी, ये उसमें से एक थे, मगर तकवा के पहाड़ थे। वो अपने बारे में खुद बतलाते हैं कि मेरी उम्र 5 साल की थी तो मेरे मामू घर आए और कहने लगे कि दाऊद अल्लाह को याद कर लिया करो।
मैंने कहा कैसे याद करूं मामू। कहने लगे जब तुम सोने लगे हो ना बिस्तर पे, तो उस वक्त तुम चंद मर्तबा कह लिया करो, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे देखता है, बस ये कह लिया करो और सो जाया करो। मैंने कहना शुरू कर दिया। फिर मुलाकात हुई तो कहने लगे अल्लाह को याद करते हो? मैंने कहा मैं इतनी दफा। कहने लगे कुछ ज्यादा कहा करो। तो कहने लगे मैं फिर सोने से पहले अल्लाह मुझे देखता है, अल्लाह मेरे साथ है। अब जो बात बंदा रोज करता रहे उसका दिल भी असर होता है। वो कहते हैं कि मैं बच्चा था, इस लफ्ज के बार बार कहने से मेरे दिल में अल्लाह का ऐसा इस्तेहजार आ गया कि बचपन से